लगता है काफी मसरूफ रहे हैं पिछले 2-3 दिन। जी मसरूफियात भी हैं और घर में बस एक दो मसाइल थे। दादा वो बीमार हैं काफी दिनों से, बस उधर ही अल्लाह बस बख्शे, थोड़ी माता मसरूफियत फरमाए। है। आमीन जी आमीन। जी तो करें फिर स्टार्ट लेक्चर, बाकी लोग लगता है आ जाएंगे बाद में। काइंडली कंफर्म जी सर, कीजिएगा, स्क्रीन शेयर हो रही है आप सबके साथ? स्टार्ट हो रही है सर। जी हो रही है सर। जी तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो होने वाला लिंक्डइन पर। जैसा कि हमारे पहले आई थिंक दो लेक्चर, शायद एक या दो लेक्चर हो गए हैं लिंक्डइन पर, आज हमारा आई थिंक थर्ड लेक्चर है। इसमें आप लोगों को बताया जाएगा कि हमने लिंक्डइन पर सर्च किस तरह से करना है, यानी कि कौन से ऐसे कीवर्ड्स सेकंड हैं। लेक्चर सर। जी सेकंड लेक्चर, वो मैंने दो मेथड जो है एक ही लेक्चर में बता दिए थे, तो इसलिए मेरे जहन में वो कंफ्यूजन चल रही थी। तो आज का जो लेक्चर है वो इंशाल्लाह लिंक्डइन पर होने वाला। आज मैं आपको बताऊंगा कि हमने लिंक्डइन पर कौन कौन सी सर्चेस करनी है और इन सर्चेस को हमने किस किस तरह से लेके चलना है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि लिंक्डइन पर सिर्फ आप लोगों के लिए एक ही कीवर्ड काफी होगा। मेरा ये मानना है कि अगर आप लिंक्डइन पर एक ही कीवर्ड पर तकरीबन 1 साल तक भी काम करते रहेंगे तो आपका जो एक कीवर्ड है उसकी जो सर्च है वो जो कंप्लीट नहीं होगी। आप लोगों के जहनों में आ रहा होगा कि ये कैसे पॉसिबल है, हालांकि लिंक्डइन जो है एक पेज पर ऑलमोस्ट ज्यादा से ज्यादा भी हमें 100 पेज शो करवाता है। ठीक है, ये किस तरह से पॉसिबल है कि एक ही कीवर्ड जो है वो कह लें कि 1 साल तक अगर हम सर्च करते रहे तो कीवर्ड की जो सर्च है खत्म ही नहीं होगी। तो इंशाल्लाह वो सारी चीजें आपके सामने रखूंगा और आपको बताऊंगा कि किस किस तरह से हम लिंक्डइन पर सर्च कर सकते हैं, ऐसे कौन से कीवर्ड है जो कि हमारी मार्केट के रिलेटेड है, हम उसमें रह के काम कर सकते हैं, हमने किन किन लोगों के साथ अपने कनेक्शन बनाने हैं और किन किन लोगों के हमने ईमेल जो बाद में पिक करने हैं और किन के साथ हमने कॉन्टेक्ट करना है, सारी चीजें इंशाल्लाह आज के लेक्चर में आप लोगों के सामने रखी जाएंगी। सबसे पहले तो आप लोगों के सामने कीवर्ड है जी, शो हो रहा होगा आपको, इस कीवर्ड का नाम है जी मीडिया बाइंग मैनेजर। ये एक पहला कीवर्ड है जो कि मैंने गूगल पर सर्च कर रखा है। ठीक है जी, उसके बाद हमारे सामने कीवर्ड आता है मार्केटिंग मैनेजर। ठीक है जी, अब देखिए मार्केटिंग मैनेजर मैंने सर्च किया, इसमें आपको एक चीज कॉमन दिख रही होगी, डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर। ठीक है, पीपीसी, एसईएम, उसके बाद एसईओ, यानी कि ये सारी जो चीजें इसी में आ जाती हैं। उसके बाद आपको ये नीचे देखिए डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ही आपको ये सारे के सारे जो लोग देखने को मिल रहे होंगे। उसके बाद थोड़ा सा हम आगे जाते हैं, उसमें हमने कीवर्ड सर्च कर रखा है कंटेंट मार्केटिंग। ठीक है जी, जैसा कि आपको मैंने बताया था कि डिजिटल मार्केटिंग एक छोटी सी कह लें कि एक छोटा सा हिस्सा है, छोटी सी फील्ड जिसको आप ले सकते हैं कंटेंट मार्केटिंग, जो कि हम कर रहे हैं कैश पोस्टिंग, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग बहुत ही ज्यादा वसी है, बहुत कुछ है इसके अंदर, तो आपको यहाँ से एक आइडिया हो जाएगा। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे जाते हैं, हमारे पास एक और कीवर्ड है आउटरीच मैनेजर। आप लोगों ने परेशानी होना, इंशाल्लाह सब कुछ आपके सामने रखूंगा कि हमने इस पर किस तरह से वर्क करना है। आउटरीच मैनेजर ये जस्ट आपको कीवर्ड बता रहा हूँ, सब लोगों ने आपस में जो कीवर्ड्स हैं वो डिवाइड कर लेने जिस तरह से भी वो मुनासिब समझे। मैं इंशाल्लाह अजाफी कीवर्ड्स हैं ग्रुप में टाइप करके आप लोगों के सामने रख दूंगा, तो वहां से भी ले लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास कीवर्ड आता है सेल्स मैनेजर। ठीक है जी, सेल्स मैनेजर एक कीवर्ड है, इसको भी सर्च करके हम अपनी मार्केट के रिलेटेड जो लोग हैं उन तक पहुंच सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है जी पब्लिशिंग। पब्लिशिंग जो कीवर्ड है मोस्टली यूज किया जाता है कंपनीज के लिए। ठीक है, और जो पब्लिशिंग की जो कंपनीज है वो मोस्टली कंटेंट मार्केटिंग के अंदर आती हैं और कंटेंट राइट भी करती हैं और कंटेंट राइट करके पब्लिश भी करती हैं, और मोस्टली ये ऐसी कंपनीज होती हैं जिनके पास क्लाइंट जो है खुद आता है, जैसा कि मैंने क्लच पर आपको बताया था। उसके बाद हमारे पास कीवर्ड आता है प्रोजेक्ट मैनेजर। ठीक है जी, प्रोजेक्ट मैनेजर एक ऐसा कीवर्ड है जिसको हम सर्च करके जो लोग हैं उन तक हम पहुंच सकते हैं। उसके बाद एक और कीवर्ड है जो कि शुरू में मैंने आपको एक चीज दिखाई है, वो जो कीवर्ड आप यहाँ पर कर सकते हैं जी सर्च। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड आप लोगों ने जब भी सर्च करना है, एक और चीज का आपने ध्यान रखना है, कीवर्ड्स तो आपको बहुत सारे शो हो रहे होंगे। ठीक है, देखें डिजिटल मार्केटिंग इन ग्रुप्स, डिजिटल मार्केटिंग इन सर्विसेज, डिजिटल मार्केटिंग इन जॉब। ठीक है, आपने इस जो तीनों चीजें हैं आपने इनमें से दो चीजों को छोड़ सकते हैं आप। ठीक है, इन जॉब को भी छोड़ सकते हैं, इन ग्रुप को भी छोड़ सकते हैं। आपने अगर कीवर्ड लेना है तो सिंपल आप डिजिटल मार्केटिंग वाला कीवर्ड लें। ठीक है, ये वाला कीवर्ड लें, और अगर आपने सेकंड पे अगर किसी कीवर्ड को चूज करना तो आप करें डिजिटल मार्केटिंग इन सर्विस। ठीक है, सर्विसेज पर आप ले सकते हैं, लेकिन हमने सिंपल डिजिटल मार्केटिंग को ही सिलेक्ट करना है और इसको हमने कर देना लिंक्डइन पे सर्च।
अब मैंने आप लोगों के सामने काफी सारे कीवर्ड जो है ओपन करके रखे हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे कीवर्ड्स हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। सिर्फ आपको एक तरीका बताऊंगा कि हमने किस तरह से लिंक्डइन पर वर्क करना है, काम करना है। तो सिंपल, आप लोगों ने जब ये जो कीवर्ड बता रहा हूँ, ये सिर्फ कह लें कि हमने लोगों तक ही पहुंचना है, यानी कि लोगों के साथ हमने कनेक्शन बनाने हैं, अपने लिंक्डइन की जो मार्केट मार्केट है उसको हमने वसी करना है। तो सिंपल, मैंने कीवर्ड को यहाँ पे टाइप किया। टाइप करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे बहुत सारे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, पीपल्स, उसके बाद पोस्ट, जॉब्स, ग्रुप्स, कंपनी, स्कूल, कोर्सेज, इवेंट, सर्विसेज, ये सारा कुछ आपको यहाँ पे शो हो रहा है। तो आपने सिंपल क्या करना, आप लोगों ने ये पीपल वाला ऑप्शन जो है आपने इस पे चले जाना है, ठीक है जी। आपने किसी और चीज को फॉलो नहीं करना। जो कीवर्ड मैं आपको ग्रुप में टाइप करके बताऊंगा कि आप लोगों ने ये पर्सन के लिए यूज करना है, यानी कि जो लिंक्डइन पर लोग हैं, लोगों के लिए आपने जो कीवर्ड यूज करने हैं वो ये वाले हैं। तो आपने उन कीवर्ड्स को लिंक्डइन पर सर्च करके सिर्फ पीपल्स वाले ऑप्शन में ही जाना है, ठीक है। आगे जो भी ऑप्शन आपके सामने आ रहे हैं, जॉब्स, पोस्ट, कंपनीज, आपने इनको टारगेट नहीं करना। ये जितने भी कीवर्ड्स बताए हैं सारे के सारे जो है ऑलमोस्ट इनमें से एक कीवर्ड छोड़ के बाकी जितने भी कीवर्ड्स हैं सारे के सारे पर्सन के लिए ही यूज होते हैं, ठीक है। कंपनीज को हम इनसे टारगेट कंपनीज को हम टारगेट नहीं करेंगे ऐसे कीवर्ड को सर्च करके। तो सिंपल हमने क्या करना है, हमने कीवर्ड को कर देना सर्च। अब आप लोगों के सामने सारे के सारे रिजल्ट शो हो रहा है, और मोस्टली ऐसे लोगों के जो कि क्या है हमारे रीजन के, पाकिस्तान के। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हमारी लिंक्डइन पर हमने जो भी अपनी एक्टिविटीज करनी, जो भी काम करना, हमारे जितनी भी अटैचमेंट है सारे के सारे बाहर के लोगों के साथ होनी चाहिए, ना कि ये जो पाकिस्तानी, इंडियन, इस तरह के जो लोग हैं उनके साथ हमारी कोई अटैचमेंट नहीं है। अगर कोई इंडियन स्टूडेंट है, आई थिंक होगा हमारे ग्रुप में, है मोहित है, तो मैं उससे भी कहूंगा कि अगर आपने काम करना है तो आप कोशिश करें कि जो इंडियन है, आपके कंट्री के लोग हैं, आप उनके साथ अपना जो कनेक्शन है वो ना बनाए, ठीक है। तो आप कोशिश करें जो बाहर के लोग हैं उनके साथ ही बनाए। अब यहाँ पर पीपल मैंने सर्च कर लिया है, उसके बाद मैंने क्या करना है, लोकेशन पे डायरेक्ट चले जाना है, ठीक है जी। मैं उसके बाद चले जाऊंगा जी डायरेक्ट लोकेशन पर। अब लोकेशन बहुत ज्यादा मैटर करती है हर एक चीज में, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कुछ चीजें बताई हैं, उसमें मैंने बताया था कि लोकेशन बहुत ज्यादा मैटर करती है। हमारे कुछ लोग हैं इस ग्रुप में जिनका भी लेक्चर रहता है लोकेशन पर, तो वो भी इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं दूसरे ग्रुप के, उनको इस चीज के बारे में बेहतर पता है। खैर, ये हम इस चीज पर बाद में आएंगे। तो लिंक्डइन का आपको बताता चलूं, लिंक्डइन पर लोकेशन जो है बहुत ज्यादा मैटर करती है। हमने अपना रीजन छोड़ के बाहर के जो कंट्रीज, हमने उनको टारगेट करना है। फर्स्ट करें यूनाइटेड किंगडम आ रहा है, इसको करना चाहे इसको कर लें, ठीक है। अगर इसको आप नहीं करना चाह रहे तो आप किसी और कंट्री को आप टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। जापान आ गया, हमने कर लिया जापान को, क्योंकि ज्यादातर जो लोग क्या करते हैं यूनाइटेड किंगडम, स्टेट्स, उसके बाद ये सारा इस तरफ ही लोग भागते हैं, ठीक है। और भी दुनिया में बहुत सारी कंट्रीज हैं, आप उनको भी आउटरीच कर सकते हैं। अब जैसे हम लोकेशन को चेंज करेंगे तो हमारे सामने जो रिजल्ट आएगा सारे का सारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। आपके सामने जितने भी लोग आ रहे हैं सारे के सारे क्या हैं, बाहर के ही लोग हैं। अब यहाँ पर आप लोगों ने एक और काम करना है, फिल्टर को अप्लाई करना। हालांकि इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हमने क्या करना है, हमने फिल्टर को अप्लाई लाजमी करना है। किस तरह से करना है, हम जाएंगे वही सेम मेथड होगा इंडस्ट्री में। इसमें जब आप इस तरह के कीवर्ड जितने भी जो मैंने सर्च किए हैं, जब आप सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद जब आप फिल्टर में आएंगे, इंडस्ट्री में आएंगे, तो आपको एक ऑप्शन लास्ट में देखने को मिलेगा, वो होगा मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग का। इसकी जरूरत तो नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी हमने अपने तसल्ली के लिए इसका हमने लाजमी से यूज करना है, इसको अपने लाजमी अप्लाई करना है। उसके बाद हम यहाँ से शो रिजल्ट करते हैं। जैसे हम शो रिजल्ट करेंगे तो हमारे सामने जो कुछ डेटा वो नया एड हो जाएगा, बहुत सारी जो चेंजिंग है वो आ जाएंगी, जो पहले आ रहा था वो अब नहीं आएगा, ठीक है। और यहाँ पर इसके जो कुछ पेजेस आए, ठीक है, इसके यहाँ पर कितने, सिर्फ 2 पेजेस आए हैं आपके सामने। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि आप लोग इस फिल्टर को अप्लाई ना करो, ठीक है, क्योंकि वैसे भी ऐसे जो कीवर्ड्स हैं ये मोस्टली मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग में ही आते हैं। तो यहाँ से मैं दोबारा से शो रिजल्ट कर दूंगा, क्योंकि जाहिर सी बात है मैंने जो कीवर्ड जो मैंने सर्च किया है वो मैंने इसको टारगेट करवाया जापान में, ठीक है। अब इसी तरह मैं इसको जापान से करता हूँ रिमूव, उसके बाद मैं कर देता हूँ यूनाइटेड किंगडम। अब इसका जो रिजल्ट होगा वो बहुत ही ज्यादा होगा, यहाँ पे देखिए 8,300 रिजल्ट आ रहा है। अब हम यहाँ पे फिल्टर अप्लाई करके देखते हैं कि हमें रिजल्ट कितना देखने को मिलता है यहाँ पे। तो हम देख लेते हैं, यहाँ पे इंडस्ट्री में आए थे, देखो मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग आगे करते हैं शो रिजल्ट। अब देखते हैं कितना रिजल्ट हमें शो करवाता है 8,000 में से। ये देखिए 719 रिजल्ट इसने शो करवाया, ठीक है। अब यहाँ पे देखें 72 पेजेस है, 72 पेजेस है। तो कहने का मकसद है कि अगर आप फिल्टर अप्लाई करें
करके अगर आप काम स्टार्ट करें तो ये भी बेस्ट है, अगर ना भी करें तो कोई मसला नहीं, जो आपको कीवर्ड मैंने दे दी आपकी मार्केट के अंदर ही आते हैं। अब यहाँ पर वही वाली बात मैं आप लोगों के सामने रखूंगा जो कि मैंने पहले की थी, कि हम किस तरह से एक ही कीवर्ड पर ऑलमोस्ट 1 ईयर तक काम कर सकते हैं। एक ही कीवर्ड हमारे काम के लिए काफी है, उस पर हम रेगुलर मुसलसल काम कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी यही है कि आप लोगों ने सिंपल क्या करना है, आप लोगों ने गूगल पर से किसी वेबसाइट से कोई शीट आपने उठा लेनी है, या आपने जितनी भी दुनिया में कंट्रीज हैं, आप पूरे वर्ल्ड वाइड में जितनी भी कंट्रीज हैं, आप उनकी सारी की सारी जो लिस्ट है वो आप उठा लो, ठीक है। सारी की सारी आपने लिस्ट उठा लेनी है, ठीक है। लिस्ट उठाने के बाद आपने उसको सेव कर लेना है, ठीक है। जब भी आपने लिंक्डइन पे सर्च करना है, कोई एक कीवर्ड को ले लें जिसको आप लेके चलना चाह रहे हैं। फर्ज करें आप चाहते हैं कि मैंने इसी कीवर्ड पर ही काम करना है, या इस पर नहीं करना, तो फर्ज करें आप चाह रहे हैं कि मैंने मार्केटिंग मैनेजर वाला जो कीवर्ड है मैंने इसी पर ही वर्क करना है। तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने किसी एक कंट्री को कर लेना जी टारगेट, ठीक है। आप बैठे सर्च करने के लिए, आपने एक कंट्री को कर लिया टारगेट, आपने फिर उस पर मुसलसल सर्च करनी है कि बैठ गए हैं तो आपने प्रॉपर उस पर जब तक सर्च जो कंप्लीट नहीं हो जाती एक कंट्री पे, आपने तब तक उस कीवर्ड को नहीं छोड़ना। फिर नेक्स्ट डे अगर आप सर्च करना चाह रहे हो तो आपने दोबारा से यही वाला कीवर्ड रखना है, ठीक है, मार्केटिंग मैनेजर वाला। उसके बाद आपने क्या करना है, आप लोगों ने नेक्स्ट डे जब आप काम कर रहे हैं, फर्स्ट करें फर्स्ट डे हमने किस पे काम किया, यूनाइटेड किंगडम पर किया, नेक्स्ट डे हम क्या करेंगे, हम कंट्री को चेंज कर लेंगे, लोकेशन को हम चेंज कर लेंगे। फर्स्ट करें हम यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया कर लेते हैं, ठीक है, हम यहाँ पर मैंने ऑस्ट्रेलिया कर दिया, उसके बाद शोर जर्न कर दिया मैंने, तो यहाँ पर मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो सारे के सारा क्या आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया का आ जाएगा। कहने का मकसद ये है कि दुनिया में इतनी सारी कंट्रीज हैं और हर कंट्री में काम हो रहा है। आप लोग अगर लिंक्डइन पर एक ही कीवर्ड को लेके चलोगे तो आप इस पर आने वाले कई मंथ तक वर्क कर सकते हो, ठीक है। आपसे एक ही कीवर्ड जो है इसकी जो सर्च है वो भी खत्म नहीं होनी, ठीक है। इस पर आपने प्रॉपर सर्च किस तरह से करनी है, आने वाले दिनों में कौन कौन से जो टूल्स हैं आपने वो यूज करने हैं, कौन से टूल जो है वो आपकी लिंक्डइन पर आपका काम करने में हेल्प करेंगे, आपको आप यानी कि यहाँ पे कनेक्शन बनाए बगैर आप लोग यहाँ से ईमेल किस तरह से पिक कर सकते हैं, इसके रिलेटेड आपके सामने 2 से 3 टूल जो है वो रखूंगा इंशाल्लाह, तो आप उसके थ्रू से अपना यहाँ पर जो काम है वो कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास एक और कीवर्ड है, ठीक है, कंटेंट मार्केटिंग। ये बार बार करके दिखाने का मकसद ये है कि आप लोगों के जहनों में बैठ जाए और आपको पता चल जाए कि जो हमने काम है किस तरह से करना है। थर्ड पे हमारे पास एक कीवर्ड आता है कंटेंट मार्केटिंग। हमने अब क्या करना है, कंटेंट मार्केटिंग को हमने फॉलो करने से पहले हमने ये चीजें लाजमी देख लेनी है, और हमने इन सब को क्या कर देना, स्किप कर देना। हमने कंपनीज जो है हमने इनको टारगेट नहीं करना, हमने सिर्फ लोगों को ही फॉलो करना है। अब यहाँ पर हमारे सामने काफी सारे ऑप्शन है, तो हम यहाँ से लोगों को करेंगे फॉलो, पीपल वाले ऑप्शन जो है हम इस पर इसको करेंगे सिलेक्ट, ठीक है। अब कंटेंट मार्केटिंग पर मैं आपको बाद में एक और चीज भी बताऊंगा, ठीक है, कि हमने अगर कंपनीज को फॉलो करना है तो किस तरह से हम करेंगे, ठीक है जी। अब कंटेंट मार्केटिंग को मैंने ओपन किया, यानी कि सर्च करने के बाद पीपल को मैंने सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद यहाँ पर लोकेशन आ गई, तो लोकेशन जो है आपको मैंने पहले भी बताया बहुत ज्यादा मैटर करती है हमारे काम में, तो यहाँ पर आप कोई और कंट्री लगा सकते हैं। फर्ज करें हम यहाँ पर कर देते हैं चाइना, ठीक है, चाइना में बहुत ज्यादा इसका काम होता है, चाइना क्योंकि बहुत बड़ी कंट्री है आप बेहतर जानते हैं, तो यहाँ पर देखें इसका कितना रिजल्ट आया। आप अपनी तसल्ली के लिए अगर आप चाहें कि मैंने फिल्टर का अप्लाई करना है और मैंने ऐसे लोगों को ही टारगेट करना है जो कि क्या है हमारी फील्ड, हालांकि अगर जब हम ऐसे कीवर्ड को सर्च कर रहे होते हैं तो हमें जरूरत नहीं है, हमें जरूरत नहीं है कि हम कंटेंट मार्केटिंग को सर्च करने के बाद फिल्टर का अप्लाई करें, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों ने अगर तसल्ली करनी है तो आप लोग अपने तसल्ली कर लीजिए, फिल्टर में जाके आप मार्केटिंग को चूज कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें मार्केटिंग है एडवर्टाइजिंग, ठीक है जी। अब उसके बाद अगर आप नीचे जाएंगे सर्विसेज कैटेगरीज में आ जाएं तो आप यहाँ पे भी आके थोड़ी बहुत चेंज कर सकते हैं, कंटेंट मार्केटिंग आ गया, ठीक है, प्रोडक्ट मार्केटिंग आ गया, ये भी आप कर सकते हैं, ये सिर्फ सिंपल मार्केटिंग आ गया, ब्रांड मार्केटिंग आप करना चाह रहे हैं ये भी कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। अगर सर्विसेज कैटेगरी में आप यहाँ पे अगर आपको ऐसी चीजें मिलती हैं, अगर नहीं मिल रही तो आप सिंपल एड अ सर्विस में आके यहाँ पे कर सकते हैं, कंटेंट मार्केटिंग, मार्केटिंग उसके बाद ब्रांड मार्केटिंग है जो आपके जेहन में जो चीज आती है, ठीक है। अब मैं यहाँ से शो रिजल्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पर हमारे सामने जो रिजल्ट निकल के आया हो तो ऑलमोस्ट 2100 रिजल्ट है, ठीक है, 2100 यानी कि 100 रिजल्ट हमारे सामने निकल के आया है।
कहने का मकसद ये है कि अगर आप फिल्टर अप्लाई करके करेंगे तो आपके सामने जो कनेक्शन आएंगे वो बहुत ही लिमिटेड से हो जाएंगे, यानी कि बहुत कम शो होंगे। अगर आप फिल्टर अप्लाई ना भी करेंगे तो आपका जो काम है वो चल जाएगा, क्योंकि आपके सामने जो कीवर्ड है वो कीवर्ड हमें यही शो करवाता है कि आप अपनी मार्केट के रिलेटेड, आप अपनी फील्ड के रिलेटेड ही सर्च कर रहे हो, काम कर रहे हो, आप ऐसे लोगों के साथ ही कनेक्शन बना रहे हो। इसी तरह आप लोगों ने क्या करना, आप लोगों ने जब इस कीवर्ड पर सर्च करनी है कंटेंट मार्केटिंग पर, तो एक कंट्री को कर ले सिलेक्ट, उसके बाद आप किसी और कंट्री को, नेक्स्ट डे जब आपने सर्च करने किसी और कंट्री को आप टारगेट कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास है एक और कीवर्ड जिसको हम बोलते हैं आउटरीच मैनेजर, आप इस कीवर्ड को भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। इसको सर्च करके आप इसी तरह इनको फॉलो कर सकते हैं, पीपल वाले ऑप्शन में जाने के बाद आप जो लोकेशन उसको चेंज करें, फिल्टर में जाना चाह रहे हैं फिल्टर में भी आप जा सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास एक और कीवर्ड आता है, वो कीवर्ड है जी सेल्स मैनेजर, ठीक है। अब ये जो कीवर्ड है, इस कीवर्ड में हमने अपना जो फिल्टर है उसको लाजमी से अप्लाई करना है, ठीक है। जिस चीज पर हमने फिल्टर अप्लाई करना है, जिसको मैं बोलूंगा कि ये लाजम है, तो हमने वहां पे फिल्टर को लाजमी अप्लाई करना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सेल्स मैनेजर कीवर्ड को मैंने कर लिया सिलेक्ट, उसके बाद मैं करूंगा लोकेशन को, ठीक है। अब मैंने यूनाइटेड स्टेट ही कर दिया। आप लोगों के माइंड में अगर कोई और कंट्री है, गूगल से सर्च करके आप सारी की सारी लिस्टों को निकाल सकते हैं, आपके सामने देखें लाखों में रिजल्ट मुझे शो हो गया। अब सिंपल मैंने क्या करना है, सेल्स मैनेजर तो मैंने कर दिया सर, जाहिर सी बात अब हर फील्ड के अंदर सेल्स मैनेजर के रिलेटेड आपको लोग मिलेंगे, लेकिन हमने कीवर्ड सर्च तो किया, लेकिन अब हम फिल्टर को अप्लाई करेंगे। इस ऐसे अगर कीवर्ड आप सर्च करेंगे सेल्स मैनेजर पर, तो यहाँ पे जो फिल्टर अप्लाई करना बनता है, हम इंडस्ट्री वाले ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पे ये इंडस्ट्री आ रहा है, यहाँ पे देखें मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग आ गई, यहाँ पे देखें रिजल्ट आपको लाखों की तादाद में शो हो रहा है। जैसे हम मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग करेंगे तो जो रिजल्ट है वो बहुत ही कम हो जाएगा, तो यहाँ पर हम मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग करेंगे। ये जो कीवर्ड है सेल्स मैनेजर, इसमें फिल्टर को हमें लाजमी अप्लाई करना है, फिल्टर में जाके हम इंडस्ट्री वाले ऑप्शन में जाएंगे, उसके बाद मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग में जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये सर्विसेज कैटेगरी में आप जाना चाह रहे हैं तो आप जा सकते हैं, आपका आपकी अपनी मर्जी है, यहाँ से हम सिंपल शो रिजल्ट करेंगे। तो इसने देखें ये जो हमारे सामने रिजल्ट है तो बहुत ही कम नहीं, इतना भी कम नहीं है, बहुत रिजल्ट है, ठीक है। इसका 2 लाख से अब रिजल्ट शो करवा रहा है फिर भी। तो सेल्स मैनेजर में आके हमने फिल्टर को लास्ट में अप्लाई करना है। जिन जिन कीवर्ड पर फिल्टर हमारा अप्लाई होगा मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है जी। तो आपने अब आंखें बंद करके इनके साथ कनेक्शन कर लेना, कनेक्शन नहीं करना तो आप सिंपल इनका ईमेल पिक कर लीजिए। आने वाले दिनों में आपको बताऊंगा कि हमने विदाउट कनेक्शन के ईमेल किस तरह से पिक कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता पब्लिशिंग, ये एक ऐसा कीवर्ड है इसको हम सर्च करके हमने सिर्फ कंपनीज तक ही एक्सेस हासिल करनी है, ठीक है। जो कंपनीज है हमने उन तक ही पहुंचना है। हम ये पीपल वाले ऑप्शन पर भी जा सकते हैं, नहीं जाना हमने, क्यों, क्योंकि लिंक्डइन हमें खुद शो करवा रहा है, ठीक है। पब्लिशिंग में फर्स्ट पे उसने कर दिया जॉब्स, यहाँ पे सेकंड पे कंपनीज कर दिया, थर्ड पे उसने पीपल किया, ठीक है। जो चीज सबसे ज्यादा इस कीवर्ड पर आती है लिंक्डइन ने वही हमें शो करवाया। अब आप देखें इस कीवर्ड पर आ जाए, इसको अगर आप सर्च करके खुद ट्राई करें, जो लिंक्डइन है उसने क्या किया था, हमें जो पीपल वाला ऑप्शन है सबसे शुरू में शो करवाया। आपको दिखा देता हूँ, कंटेंट मार्केटिंग है, यहाँ पे देखें पीपल्स आ गया, उसके बाद सर्विसेज आ गया, उसके बाद कंपनीज आ गया। इसी तरह ये मार्केटिंग मैनेजर वाला, इसका भी ये शुरू में आया था, ठीक है, कंपनी बाद में आया था। तो कहने का मकसद ये है कि जो कीवर्ड जिस फील्ड के लिए है, यानी कि जिस चीज के लिए बेस्ट है, हम उसी के लिए उसको यूज करेंगे। अब पब्लिशिंग का आ गया, अब हमने सिंपल यहाँ पे क्या करना है, हमने कंपनीज को टारगेट करना है, ठीक है, क्योंकि लिंक्डइन हमें शो करवा रहा है। यहाँ पे देखें ढेरों क्या आ गई है, सारी की सारी कंपनीज आ गई है। कंपनीज आने के बाद यहाँ पे लोकेशन जो है वो फिर से हम लगाएंगे, लोकेशन बहुत ज्यादा मैटर करती है, सीधी सी बात है, ठीक है। लोकेशन हमने लास्ट में लगानी है, क्योंकि इसमें मोस्टली जो है हमारे रिलीजन की जो वेबसाइट है वो भी आ जाती है। मुझे पता है फिलहाल यहाँ की नहीं आ रही, बाहर की आ रही ज्यादातर, लेकिन फिर भी हमने क्या करना है, हमने जो अदर जो रीजन है उनकी जो साइट्स है हमने वही उन तक हमने पहुंचना है। सिंपल हम क्या करेंगे, हमने लोकेशन को कर लेना जी यूनाइटेड स्टेट कर ले, यहाँ से जो भी रिजल्ट आएगा हमारे पास, ठीक है। उसके बाद हमने अपनी तसल्ली के लिए क्या करना है, और फिल्टर में चले जाना है। जाने के बाद यहाँ पे देखते हैं इंडस्ट्री में, ये देखें मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग, आप भी बेहतर जानते हैं ये जो पब्लिशिंग का काम है किस में आ जाता है, मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग में ही आता है। तो खैर हमने ये लाजमी करना, क्योंकि अच्छा खास कोई बहुत ज्यादा खासा फर्क जो है यहाँ पे नहीं पड़ा। तो सिंपल आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने यहाँ से इनको कर लेना मैंने ओपन, इनको आप लोग करें देखा ओपन, काइंडली था अपना माइक ऑफ कर लें जिसका भी ऑन है।
यहाँ पे आने के बाद आपको नेक्स्ट जो प्रोसीजर है वो पता है कि किस तरह से हमने इनको फॉलो करना है। आप ये कंपनी है, जब भी आप यहाँ पे आएंगे तो आपने एक बार अपना जो ईमेल हंटर है इसका आपने यूज करना है, ठीक है? आपने एक बार इसका यूज करना है, तो यहाँ पे आप देखें कि हो सकता है कि इन्हीं का ईमेल हो, मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन ना भी हो तो खैर कोई मसला नहीं। लेकिन हमने अपने सली के लिए जो अबाउट है वहां पे हम चेक कर लेंगे, हो सकता है कि यहाँ पे इन्होंने कोई ईमेल वगैरह रखा हो। तो खैर, अगर यहाँ पे आपको ईमेल शो हो और उनकी जो वेबसाइट है, इनकी वेबसाइट का हम विजिट करेंगे, अगर डोमेन नेम इनका साथ में मैच हो रहा हो, यहाँ पे जो ईमेल हमें मिलेंगे और इनकी वेबसाइट के साथ वो रिलेट करते होंगे, तो ही हमने क्या करने हैं, उनको उठाना है, अदरवाइज हम उनको छोड़ देंगे। अब यहाँ पर हमने जो इनकी वेबसाइट ओपन की है, तो हमें एक चीज का तो आइडिया होगा कि ये लोग क्या कर रहे हैं, सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, और यहाँ पर इनके सारे के सारे जो क्या है क्लाइंट्स, ठीक है, छोटे ब्रांड्स में बड़े सारे के सारे ब्रांड्स हैं इनके पास, यानी कि हमें एक आइडिया हो गया कि ये लोग क्या कर रहे हैं, पब्लिशिंग का काम कर रहे हैं। तो सिंपल हमने इनके इम्प्लॉयज को कर लेना ओपन, ओपन करने के बाद हमने इनके साथ बना लेने की कनेक्शन, ठीक है जी। अगर आप इन सब लोगों के साथ कनेक्शन नहीं बनाना चाह रहे, तो वही हम जो फार्मूला अप्लाई करेंगे, फिल्टर वाला, ठीक है, फिल्टर वाला अप्लाई करेंगे, यहाँ ये इंडस्ट्री आ गया। अब यहाँ पे देखें, पब्लिशिंग का तो ऑप्शन आ रहा है, लेकिन हम अपने तसल्ली के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर मार्केटिंग वाला कर लें, ठीक है, मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग। वैसे भी इनके कितने 6 रिजल्ट आए, इनके 6 इम्प्लॉयज यहाँ पे इनके शोर है, तो शोर रिजल्ट करूंगा, देखता हूँ, कुछ भी नहीं आया, ठीक है। अगर ऐसा वैसा कोई सीन हो, कुछ भी आपको शो ना हो, तो सिंपल आप यहाँ पर कोई से एक या दो लोगों के साथ आप क्या कर सकते हैं, कनेक्शन बना सकते हैं, ठीक है, इसके साथ बना लें, ठीक है, ऊपर एक दो लोग हैं उनके साथ आप कनेक्शन बना लें। लेकिन आप लोगों ने फिलहाल ऐसी कंपनीज को टारगेट करना है जिनके एम्प्लॉयज क्या है, बहुत ज्यादा है, जिनके एम्प्लॉयज बहुत ज्यादा आपको शो हो। तो हमने एक, अगर कंपनी से हमें ऐसे एम्प्लॉयज नहीं मिलते, यानी कि ऐसी कंपनी हमें नहीं मिलती जिनकी तादाद, जो एम्प्लॉयज की तादाद बहुत ज्यादा है, उसको हमने छोड़ देना, ठीक है। हमने फिर क्या करना है, नेक्स्ट जो कंपनी हमने उसको, क्योंकि यहाँ पर ये सब करने का मकसद ये है कि कंपनी जितनी बड़ी होगी उनके एम्प्लॉयज क्या होंगे, उतने ज्यादा होंगे। जब हम ऐसी कंपनीज को टारगेट करेंगे तो हमें काम मिलने के चांसेस भी ज्यादा होंगे, क्यों? क्योंकि जो कंपनी है वो बड़ी तभी बनती है जब मार्केट में उसका नाम होता है, नाम तब होता है जब उनके पास क्लाइंट्स आते हैं और काम करवाते हैं, और उसके बाद वो मार्केट में इस हद तक फैल जाते हैं अपने अच्छे काम की वजह से, कि फिर हर कंपनी, हर एक ब्रांड की कोशिश होती है कि हम इन्हीं के साथ क्या करें, काम करवाएं। तो हमने कोशिश यही करनी है कि ऐसी कंपनीज के साथ हम कनेक्शन बनाएं अपना, यानी कि उनके साथ तल्लुकात बनाएं, कि हमें कल को काम मिलने के चांसेस जो ज्यादा से ज्यादा हो, ठीक है। हम कंपनी के ओनर वगैरह के साथ जाकर डायरेक्ट बातचीत नहीं कर रहे, हमने इनके जो इम्प्लॉयज हैं जो कि हमारी मार्केट के रिलेटेड लोग हैं, जो कि हमारी मार्केट में रहकर काम कर रहे हैं, हमने सिर्फ उन लोगों को पकड़ना है। हमने ऐसी कंपनीज के अंदर जाकर किसी ऐसे बंदे को नहीं पकड़ना जो कि ग्राफिक डिजाइनर है, हमने ऐसे बंदे को नहीं पकड़ना जो कि क्या है, कंटेंट राइटर है, हमने सिर्फ उसको पकड़ना है जो कि मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग कर रहा है, हमारी फील्ड के रिलेटेड का, यानी कि हमारी फील्ड का बंदा है, हमने सिर्फ उसी को पकड़ना है। तो आप लोगों के सामने काफी सारे कीवर्ड्स हैं, आप इनको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, पर्सन्स के लिए आपने यूज करना है, कंपनीज के लिए नहीं। जो कीवर्ड आप लोगों ने कंपनीज के लिए यूज करना है वो मैंने आपको बता दिया, पब्लिशिंग। उसके अलावा आप और कौन सा कीवर्ड जो है वो सर्च कर सकते हैं, ये कंटेंट मार्केटिंग, इसको भी आप कंपनीज के लिए सर्च कर सकते हैं। लेकिन लिंक्डइन ने हमें शुरू में पीपल वाला ऑप्शन और उसके बाद सर्विसेज वाला ऑप्शन शो करवाया, लेकिन हम कंपनीज को भी टारगेट कर सकते हैं। कंपनीज को हमने क्यों टारगेट करना है, यहाँ पे आपके सामने एक और चीज रखूँ कि आप सब में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनकी आईडीज बिल्कुल न्यू है, और अगर वो कीवर्ड सर्च करेंगे भी तो उनके सामने जो रिजल्ट आएगा वो ऐसा रिजल्ट आएगा उनको शो हो रहा होगा कि लिंक्डइन मेंबर इस तरह का, ये नेम की जगह उनके लिखा आएगा लिंक्डइन मेंबर, ज्यादातर के ऐसा ही आएगा जैसा कि ये आ रहा है, ए लिंक्डइन मेंबर लिखा है ज्यादातर जो है, फर्ज करें एक पेज पे उसको 10 प्रोफाइल्स आ रही है, तो 10 में से उसे हो सकता है कि किसी एक बंदे की जो प्रोफाइल है वो भी शो ना हो, उस पे लिंक्डइन मेंबर लिखा हुआ आएगा। तो लिंक्डइन मेंबर को आप जब इस पे क्लिक करोगे तो ये ओपन नहीं होते, ये दोबारा से वही पेज ओपन हो जाएगा। तो अगर ऐसा आपके सामने सीन हो, तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने कंपनीज को टारगेट करना है, और उसके बाद अगर आप फर्ज करें कीवर्ड को सर्च किया, तो यहाँ पे सिर्फ आपको रिजल्ट कितना शो हुआ, 2 से 3 लोग, सिर्फ आपको 2 से 3 लोग यहाँ पे शो हो रहे हैं। जाहिर सी बात है आपने कीवर्ड पर सर्च करनी है, तो सर्च करने के लिए हमारे पास जो रिजल्ट है वो ज्यादा होना चाहिए। शुरू शुरू में लिंक्डइन जो है हमें बहुत लिमिटेड रखती है, लिमिटेड जो है जो सोर्स है वो देती है, यानी कि इसको हम फ्री में बहुत ज्यादा जो यूज नहीं कर सकते,
तो सिंपल, शुरू शुरू में हम क्या करते हैं, हम कीवर्ड सर्च नहीं करते। ये पॉइंट वाली बात आपके सामने रखता हूँ कि हम कीवर्ड को सर्च नहीं करते। हम क्या करते हैं, हम कंपनीज को ज्यादा से ज्यादा टारगेट करते हैं। तो जाहिर सी बात, हमें यहाँ पे काम करना है, कनेक्शन बनाना है, तो जाहिर सी बात उसके लिए हमारे पास सामने रिजल्ट वो शो होना चाहिए। तो सिंपल हम क्या करेंगे, कंटेंट मार्केटिंग का जो कीवर्ड है, हम इसको करेंगे सर्च। सर्च जैसे करेंगे तो हमारे सामने रिजल्ट वो अच्छा खासा आ जाएगा। लोकेशन को करेंगे सिलेक्ट, ठीक है, जो भी आप करना चाह रहे हैं यहाँ से कर लें, यूनाइटेड स्टेट और यूरोप दोनों को मैंने कर लिया। अब यहाँ पर जो भी रिजल्ट आएगा वो सारे के सारा क्या होगा, हमारे फील्ड के रिलेटेड ही होगा। अब सिंपल हमने क्या करना है, हम सिंपल यहाँ से वन बाय वन एक कंपनी को ओपन करते चले जाना। आपके सामने बहुत सारी कंपनी जाएंगी, ये आ गया, ठीक है, कंटेंट मार्केटिंग इंस्टीट्यूट आ गया, ठीक है, ये भी क्या कर रहे हैं, एडवर्टाइजिंग के रिलेटेड सर्विसेज दे रही है। नीचे आपने सब कुछ जो पढ़ लेना, सब कुछ मेंशन हुआ है। अब हमने इनको ओपन करने के बाद यहाँ पे देखें 87 के एम्प्लॉयज आ रहे हैं। सिंपल हम पहले क्या करेंगे, इनकी वेबसाइट का करेंगे विजिट। वेबसाइट का विजिट करने के बाद हमने इनका क्या कर लेना है, ईमेल पिक कर लेना है, और उसके साथ हम इनके एम्प्लॉयज में चले जाएंगे। ठीक है जी, यहाँ पर ये देखें, मैंने जैसा कि आपको बताया था कि जैसे हम ओपन करते हैं तो ज्यादातर हमें क्या शो होगा, ये लिंक्डइन के मेंबर जो हैं ये शो होंगे। ठीक है जी, अब देखें इसमें कुछ जो पाकिस्तानी जो लोग हैं लड़के, वो भी क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। इसने लोकेशन यहाँ पे देखा डाली हुई है, इस कंपनी में काम कर रहा है, इनका एम्प्लॉय है। इसी तरह इंडियन भी बहुत ज्यादा है जो कि बाहर की कंपनीज के साथ अटैच है, ये देखें लिंक्डइन मेंबर। ठीक है, इस तरह से आपको शो होगा, क्योंकि फ्री वाली जो है वो फ्री वाली हमें इसी तरह से शो करवाती है। तो आप लोगों ने इस चीज की टेंशन नहीं लेनी, तो सिंपल आप लोगों के सामने जो भी रिजल्ट आएगा आप उनके साथ क्या करने, कनेक्शन बना लेने। अब कनेक्शन किस तरह से बनाने हैं वो भी मैंने आपको बताया था, तो आपने इसको न्यू टाइम ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद आपने कनेक्शन बना लेना, लेकिन उससे पहले आपने फिल्टर को लास्ट में अप्लाई करना। बेशक हमने जो चीज सर्च कर रखी है वो क्या कंटेंट मार्केटिंग है, लेकिन फिर भी हमने अपनी तसल्ली के लिए क्या करना है, ऑल फिल्टर में चले जाना है, और यहाँ पर जाने के बाद हम फील्ड में चले जाएंगे, इंडस्ट्री में सॉरी। यहाँ पर देखें हमारे सामने कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग है, तो हम क्या करेंगे, इसको कर लेंगे सर्च। हमने अपने तसल्ली जब लाजमी से कर लेनी, ये फिलहाल हमें एक ही रिजल्ट शो करवा रहा है। हो सकता है कि आपके सामने ज्यादा जो है रिजल्ट वो शो, क्योंकि मेरे पास जो रिजल्ट शो हो रहा है उस वजह से, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इतना ज्यादा काम किया हुआ है, इसलिए मुझे अब ज्यादातर जो लोगों का है वो रिजल्ट लिंक्डइन जो शो नहीं करवा रहा। तो अगर आपको भी ना करवाए तो आपने इस चीज की टेंशन नहीं लेनी। खैर, मैं फिल्टर को दोबारा से करता हूँ रिमूव और आ जाता हूँ अपने काम पर। यहाँ पर आपके सामने बहुत जो रिजल्ट ज्यादा शो होगा, ठीक है, बहुत ज्यादा जो रिजल्ट शो होगा वो इतना होगा, तकरीबन 2 3 4, ये ज्यादा से ज्यादा आपको 5 लोग ही शो होंगे, अगर ज्यादा से ज्यादा भी शो हुआ। तो जितना भी आपको मिलता है आपने गनीमत समझ के इनके साथ क्या कर लेना है, कनेक्शन बना लेना है। तो आपने यहाँ से वन बाय वन प्रोफाइल को करना ओपन। ओपन करने के बाद इनके साथ आपने कनेक्शन बना लेना, फॉलो नहीं करना किसी को, सिर्फ आपने कनेक्ट करना है। अगर फॉलो का बटन आ जाए तो सिंपल आपने इसको छोड़ देना, यहाँ से सिंपल आपने क्या करना है, कनेक्शन बनाना है। उसके बाद आपने यहाँ से कर लेना है कनेक्शन, कनेक्शन करने के बाद आपने इसको कर देना बंद। इसी तरह हमारे पास और भी बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारी यहाँ पे कंपनीज आ रही हैं, हमने इनको कर लेना है यहाँ से फॉलो, ठीक है। कम, हाँ एक चीज है, लिंक्डइन आपको कंपनीज का जो रिजल्ट है वो प्रॉपर शो करवाएगा। ऐसा नहीं होगा कि वो यहाँ पे कोई फिल्टर लगा देगा आपको, ऊपर सिर्फ 2 दिन ही कंपनी शो होगी। हाँ, आप अगर लोगों को टारगेट कर रहे हैं तो फिर लोगों को जब आप टारगेट करते हैं तो लिंक्डइन यहाँ पे लिमिट लगा देता है, सिर्फ 2 से 3 लोग ही आपको शो करवाता है। तो शुरू शुरू में आपको मुश्किल आएगी, बहुत ज्यादा परेशानी आएगी, तो आपने चीज से घबराना नहीं, टेंशन नहीं लेनी। चला जैसे जैसे आप इस पे वर्क करेंगे, ज्यादा से ज्यादा एक्टिव रहेंगे, तो जो लिंक्डइन जो आपकी जो सर्चेज है सब कुछ बढ़ा देगा। और इसी तरह हमारे पास जो कीवर्ड है जिस पर मैं बार बार सर्च कर रहा हूँ, ठीक है, एडवर्टाइजिंग सॉरी मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग के रिलेटेड, मार्केटिंग जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे इस फील्ड में। ये नहीं, मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग सर्च करने के बाद हमने यहाँ पर कंपनीज को करना है टारगेट। ये कीवर्ड भी आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है, ये देखें आपके सामने 2000 रिजल्ट शो हो गया। वन बाय वन को ओपन करें, ओपन करने के बाद वही वाला फार्मूला अप्लाई करें जो कि मैंने आपको पहले बताया। एक एक कंपनी को ओपन करने के बाद इनके एम्प्लॉयज में जाए, जाने के बाद वहां पर इनके साथ क्या करें, आप कनेक्शन बनाए, ठीक है जी। इसी तरह हमारे पास एक कीवर्ड आता है जो कि अजी यहाँ पे मैं देखता हूँ कहाँ पर मैंने इसको सर्च किया।
ये है प्रोजेक्ट मैनेजर, इसको भी आप सर्च कर सकते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर जब आप लोगों ने सर्च करना है, सर्च करने के बाद आपने फिल्टर को लाजमी से अप्लाई करना है। फिल्टर हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप आए इंडस्ट्री में आके आपने मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग को ही करना सेलेक्ट, ठीक है। उसके बाद आप शो रिजल्ट करें। अब हम देखते हैं कि हम हमारे सामने जो रिजल्ट आता है वो कितना आता है। ये देखिए अच्छा खासा जो रिजल्ट है वो आया है, ठीक है। अच्छा खासा जो रिजल्ट है वो उसने हमारे सामने निकाल कर रखा है प्रोजेक्ट मैनेजर। तो प्रोजेक्ट मैनेजर जब आपने सर्च करना है तो आपने फिल्टर को लास्ट में अप्लाई करना मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग के लिए। इसी तरह मैंने आपको एक और कीवर्ड बताया था सेल्स मैनेजर, इसमें भी आपने फिल्टर को अप्लाई करना है। और इसके अलावा पब्लिशिंग का मैंने बताया, इसमें आपने कंपनीज को टारगेट करना है। और इसके अलावा मैंने और बताया था और कौन सा, हाँ जी प्रोजेक्ट मैनेजर मैंने बता दिया। उसके बाद हमारे पास एक कीवर्ड आता है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग में आप लोगों को भी फॉलो कर सकते हैं। लोगों को आपने फॉलो करना है तो आपने तब भी क्या करना है, फिल्टर का अप्लाई करना है, ठीक है। जब आपने कंपनीज को करना है तो कंपनीज में भी आपने फिल्टर को अप्लाई करना है, हालांकि इसकी जरूरत नहीं है। सीधी सी बात, इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है फिल्टर को अप्लाई करने के लिए, लेकिन फिर भी मैं ये चाहता हूँ कि आप सिर्फ अपने दिल की तसल्ली के लिए सारा कुछ करें, ठीक है। आपने फिर भी फिल्टर को क्या कर देना है, अप्लाई कर देना है। अगर यहाँ पे शो करवाता है, देखें फर्स्ट पे ही आ गया मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग। ये देखिए हमने सिंपल डिजिटल मार्केटिंग सर्च करने के बाद फिल्टर को कर दी है जी अप्लाई। उसके बाद हम लोकेशन को करेंगे सिलेक्ट। लोकेशन को सिलेक्ट जैसे करेंगे तो हमारे सामने बहुत ही ज्यादा जो डेटा वो आ जाएगा। अगर आप लोगों को टारगेट करना चाह रहे हैं तो लोगों को भी कर लें जिस तरह से आपको बेहतर लगता है। लेकिन मैंने ये बताया कि शुरू में आप कंपनीज को करें टारगेट। तीन कीवर्ड हैं, डिजिटल मार्केटिंग ले लें, उसके बाद कंटेंट मार्केटिंग है, उसके बाद पब्लिशिंग का कीवर्ड है, ठीक है, आप इसको ले सकते हैं। हाँ उसके बाद एक और है, एक और आप उसको भी ले सकते हैं, ठीक है। आउटरीच, आउटरीच कीवर्ड ये भी सर्च करें। सर्च करने के बाद इसने इसमें भी आपने कंपनीज को ही टारगेट करना है, ठीक है। कंपनीज को आप करें सेलेक्ट। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें कितना जल्द ज्यादा वो शो करवाता है। उसके बाद आप चले जाएं फिल्टर में, ठीक है। फिल्टर में जाने के बाद बार बार करने का मकसद ये है कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। ये देखें अच्छा खासा रिजल्ट आ गया। सिंपल आप लोगों ने क्या करना, आउटरीच कीवर्ड सर्च करने के बाद सारी की सारी जो कंपनीज को आपने टारगेट करना शुरू कर देना है। अब यहाँ पर आप लोग एक और चीज भी देखें कि जितने भी मैंने कीवर्ड सर्च किए हैं, उन कीवर्ड को सर्च करने के बाद मैंने जब कंपनीज को, कंपनीज वाले ऑप्शन को ऑन किया है, तो सभी जो कीवर्ड्स हैं वो अपना जो रिजल्ट है डिफरेंट शो करवा रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट शो करवा रहे हैं। ये जो सिंपल मैंने सर्च किया, अगर आप लोकेशन हर बार चेंज करेंगे एक ही कीवर्ड को लेके, तो आपके सामने जो रिजल्ट निकल के आएगा वो सारे का सारा क्या होगा, चेंज होगा। तो मैं ये कहता हूं कि आप लोगों के लिए सिर्फ एक ही कीवर्ड क्या है, काफी है। अगर आप लोगों ने काम करना है ना, काम करना है, तो सिर्फ आप लोगों के लिए एक ही कीवर्ड काफी है। फर्ज करें आपने मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग पे काम करना है ना, तो आप कंपनीज को करें सिलेक्ट। उसके बाद आप लोकेशन पे आए, किसी एक लोकेशन को लेके बैठ जाए, यकीन जाने आपके सर्च खत्म ही नहीं होगी। कैसे नहीं खत्म होगी, देखिए आप एक कंपनी को कर रहे हैं ओपन, आप जैसे ओपन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं किसी यहाँ से कर लेता हूँ किसी को, ठीक है। फर्ज करें मैंने इसको कर लिया ओपन, इन सबको मैं कर देता हूँ ओपन। अब यहाँ पर आप एक कंपनी को ओपन करते हैं, आगे क्या है, इनके एम्प्लॉयज हैं, ठीक है। आगे इनके एम्प्लॉयज, आप क्या करते हैं, इनके जो एम्प्लॉयज हैं उनको आउटरीच करते हैं, या उन तक पहुंचते हैं आप। फर्ज करें एक कंपनी के अंदर आपको 5 से 6 या 10 लोग मिल जाते हैं। इसी तरह आप जब दूसरी कंपनी में आते हो, इसको जब आप ओपन करते हो, जैसे आप ओपन करते हो, तो आपके सामने जो रिजल्ट शो होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है। कहने का मकसद ये है कि अगर आप एक दिन में 10 कंपनी को टारगेट कर रहे हो, तो 10 कंपनीज के अंदर आपको फर्ज करें कुछ ज्यादा नहीं, आपको 5 लोग मिल रहे हैं। यानी कि एक कंपनी के अंदर आपको 5 लोग मिल रहे हैं, तो 10 कंपनीज के अंदर मैं समझता हूँ कि आपको 50 लोग जो है मिल जाएंगे। और मेरा ख्याल है कि अगर आप एक दिन में 50 लोगों के साथ कनेक्शन बनाते हो, तो तकरीबन एक ही दिन के अंदर 15 से 20 लोग जो है आपका जो कनेक्शन है उस वो एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। ये डिपेंड करता है आप लोगों पर आप किस तरह से मेहनत करते हो। कहने का मकसद यह है कि एक ही जो कीवर्ड है आप लोगों के लिए काफी है, अगर आप लोग काम करना चाहो। यहाँ पर देखें इनके काफी सारे एम्प्लॉयज हैं, ठीक है। आपने सिंपल क्या करना है, फिल्टर को अप्लाई कर लेना है, हालांकि इसकी जरूरत नहीं है, सीधी सी बात। अगर आप करना चाह रहे हैं, अगर आप चाह रहे हैं कि स्पेशल हमें वही लोग चाहिए जो कि क्या मार्केटिंग है एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, तो सिंपल आप यहाँ से कर लेना उनको सिलेक्ट, और यहाँ पे शो रिजल्ट कर दे, तो 92 रिजल्ट आप लोगों के सामने शो होगा। मोस्टली देखें लिंक्डइन मेंबर शो हो रहा है, क्यों, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इतना ज्यादा काम किया है,
कि आज मुझे इस तरह से जो इसका रिजल्ट वो देखने को मिल रहा है। तो सिंपल आप इनके प्रोफाइल को ओपन करना है, ओपन करके इनके साथ आप कनेक्शन बना सकते हैं। तो आप आज की जो सर्चेज हैं इनके रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो काइंडली आप कर सकते हैं, ठीक है। इस किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो कर ले। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। जी सर, मेरा एक सवाल है आपसे। सर बिल्कुल इसी तरीके से आपने क्लच डॉट को के ऊपर हमें सर्च करना बताइए, और उसी तरीके से जैसे वहां से हमने कंपनियां उठानी है, उनके ईमेल निकालने हैं, फिर लिंक्डइन पे उनको उनके यानी कि मेंबर्स को हमने फॉलो करना है, यानी कि उनसे कनेक्शन बनाना है, तो उसी तरीके से हमने लिंक्डइन के ऊपर भी जैसे मार्केटिंग से रिलेटेड हम कीवर्ड सर्च करेंगे तो कंपनियां ही खुलेंगी। तो सर इन दोनों का अलग अलग यानी कि ये दो अलग अलग तरीके हैं, या इनका मतलब कि आपस में ये एक दूसरे से रिलेट करते हैं, यानी कि जैसे आपने लास्ट जो हमारा लेक्चर यानी बेसिक में हमें तीन तरीके बताए हैं, तीन से चार तरीके, तो ये जो एडवांस की तरफ हम आए हैं, ये लिंक्डइन पे सर्च करना एक अलग तरीका है एडवांस यानी कि लर्निंग में, या क्लच डॉट ओ वाला और लिंक्डइन वाला जो है वो सेम ही है? देखें कि जो लिंक्डइन है, लिंक्डइन अगर आप अलग से लिंक्डइन पर काम करना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने आपको तरीकाकार बताया। और यही बात क्लच की, तो क्लच जो है वो समझने के वो रास्ता जो है वो खोल देता है आपका, ठीक है। आपका जो रास्ता खोल देता है आपको, शुरू में ये बताने का मकसद ये होता है कि आपको एक आइडिया हो जाता है कि हमने लिंक्डइन पर किस तरह से कंपनीज तक पहुंचना है, ठीक है ना। ये लिंक्डइन का जो मैंने मेथड आपको बताया ना, ये बताने का मकसद ये था कि हम लिंक्डइन पर गए हैं, वहां पे हमने अपने फील्ड को चूज किया, उसके बाद हमने वेबसाइट को ओपन किया, वहां से हम क्या चले गए लिंक्डइन पर, हमने इसको फॉलो कर लिया। और मैंने वहां पे एक और भी चीज बताई कि आप अपनी फील्ड सेट के जो दूसरी अदर फील्ड है आप उनको भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। वेब डेवलपमेंट और भी है, हमने उनको किस तरह से फॉलो करना है, हमने उनकी वेबसाइट ओपन करनी है, लिंक्डइन पर जाना है, वहां पे जाकर हमने फिल्टर को अप्लाई करके हमने अपनी मार्केट के रिलेटेड जो लोग उनके साथ हमने कनेक्शन बना लेना है। ये सारी चीजें हम बताने का मकसद ये है कि हम किसी ना किसी तरह से हम लिंक्डइन पर आ जाएं। अब देखें शुरू शुरू में जो भी लोग लिंक्डइन का यूज करते हैं वो प्रॉपर अपना जो कनेक्शन है वो नहीं बना पाते, ठीक है। अब आप लोग जितने भी लोग हैं सर्च करके देखिएगा, लाजमी जितने भी लोग हैं कीवर्ड्स को सर्च लाजमी कीजिएगा, लिंक्डइन आपको डेटा शो नहीं करवाएगा। ये क्लच का बताने का मकसद ये था कि आप जब वहां से वेबसाइट को फॉलो करते हो, वेबसाइट को फॉलो करके लिंक्डइन पर आते हो, तो आपके सामने एक कह लें कि रास्ता सा खुल जाता है, रास्ता ओपन हो जाता है, वहां से लोगों के साथ कनेक्शन बना सकते हो। डायरेक्ट अगर आप शुरू में लिंक्डइन पर लोगों को फॉलो करोगे तो आप नहीं कर पाओगे। तो ये बताने का मकसद ये था। और आज की जो सर्चेज मैंने बताई हैं ये इसलिए बताई हैं कि जब आप लिंक्डइन पर प्रॉपरली क्लच के थ्रू से वर्क करना स्टार्ट हो जाएं, कुछ दिनों के बाद जब आपका जो रिजल्ट वो बेटर बेहतर बेहतर हो जाए पहले की नस्बत, तो आप कीवर्ड यहाँ पे सर्च करके अपना जो काम है वो कर सकते हैं। और एक और चीज, ये जो मैंने आपको तरीकाकार बताया सारे के सारे कीवर्ड्स आपकी मार्केट के रिलेटेड जो लोग हैं, ये बताने का मकसद ये है कि आने वाले दिनों में जो आपको टूल बताऊंगा वो टूल जो है इन कीवर्ड्स पर आप लोगों की बहुत ज्यादा मदद करेंगे, हेल्प करेंगे। और कुछ सर एक और सवाल है। सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि जब जब हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज हैं क्लाइंट्स को सर्च करने की, तो हमें शुरू में तो यानी कि हर एक कैटेगरी के ऊपर वर्क करना है करना है ताकि हम क्लाइंट्स तक एक्सेस हासिल कर सकें। लेकिन सर जब हमें किसी एक यानी कि एक तरीके से क्लाइंट मिलना शुरू हो जाए तो सर हमें उसी पे फोकस करना है या हमें बाकी भी इंटरेस्ट रखने हैं जितने भी आपने पैटर्न बताए हैं? जी, बाकी भी हमने फॉलो करने, देखिए एक से ज्यादा मेथड बताने का मकसद ये होता है कि अगर आप एक मेथड पर सही से काम जब नहीं हो रहे या सही से उसको आप फॉलो नहीं कर पा रहे टाइम की वजह से, कुछ ऐसे मेथड होते हैं जो कि बहुत ज्यादा लेंथी हैं, कुछ ऐसे मेथड हैं जिन पर आप थोड़ा से टाइम में वर्क करके अपना अच्छा खासा जो काम है वो निकाल सकते हैं। तो ज्यादा मेथड बताने का मकसद ये होता है कि अगर एक मेथड काम ना कर रहा हो तो आप दूसरे को फॉलो कर सकते हैं। हाँ, अगर एक में आपको कामयाबी मिल जाती है तो बाद में आप दूसरे को भी साथ में लेके चल सकते हैं, लेकिन शुरू में हमने किसी एक मेथड को ही लेके चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरे भी क्वेश्चन हैं। वालेकुम सलाम जी मुनीब साहब कैसे हैं सर आप? जी, शुक्र अल्लाह का जबरदस्त, आप सुनाए। अल्हम्दुलिल्लाह सर। अच्छा सर, बेसिकली जो हम पे लिंक्डइन पे लिमिट लग जाती है वो कभी वीक के बाद खुल जाती है, कभी ज्यादा देर लेती है, तो इसका कुछ पता लग सकता है मोस्टली जो है कब? वीक मोस्टली वीक के बाद ही ओपन हो जाती है,
और बस शुरू शुरू में अगर आपकी बिल्कुल न्यू आईडी है तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि बस एक ही दिन के अंदर 20 या 30 कनेक्शन बनाएं, इससे ज्यादा ना बनाएं। मुझे पता है हम काम करने के लिए आए, लेकिन हमें एक एहतियात के साथ चलना पड़ेगा। ये होगा कि आपने जिस आईडी पर अपने लिंक्डइन बनाई होगी, अगर आप लिमिट को क्रॉस करने की कोशिश करेंगे तो आपकी आईडी परमानेंटली ब्लॉक हो जाएगी। जी सर, वो स्पैमिंग में आ जाती है फिर मेरे जाहिर सी बात उसी में आया है। ख्याल। और सर हम क्या अदर लैंग्वेज पे काम कर सकते हैं? जैसे अदर कंट्रीज के लोगों को टारगेट करेंगे या कंपनीज को, तो उनको तो अदर लैंग्वेज में चाहिए होंगी वेबसाइट्स। हम फिर बहुत उनको, कम ऐसे चांसेस होते हैं, बहुत कम। अच्छा सर, सारे इंग्लिश ही वो मतलब देखिए मेरी मतलब बात सुने, जो अदर लैंग्वेज में काम करते हैं ना, वो मोस्टली ऐसे लोग होते हैं जो कि किसी एक रीजन में रह के काम करना चाह रहे हैं। फर्ज करें ये हमारा एरिया ना, जहाँ पे मैं रहता हूँ, समनाबाद वाला एरिया, एक बंदा उसने अपना रेस्टोरेंट ओपन किया है, ठीक है, वो चाह रहा है कि मैंने अपनी सर्विसेज यहीं पे देनी है, और मुझे किस वेबसाइट की जरूरत है, उर्दू वेबसाइट की जरूरत है, समझ रहे हैं ना आप। जी सर। तो इस तरह के जो लोग होते हैं जो कि स्पेशल निश पे स्पेशल सी वेबसाइट पे काम करते हैं जो कि उनकी लैंग्वेज पर होती है, तो ऐसी साइट एक तो मिलना बहुत मुश्किल है, और दूसरा क्लाइंट ऐसी वेबसाइट पे काम करवाते भी नहीं है। हमने जाहिर सी बात है काम जो करना है वो इंटरनेशनल मार्केट पे करना है, स्पेशल किसी एक रीजन पे हमने काम नहीं करना। जी सर, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली कर सकते हैं, हम क्लास एंड सर करें। ये पता करना था, जैसे कि डॉट कॉम में वेबसाइट है, डॉट पीके में, अगर डॉट पीके में तो हमें पता चल जाता है कि पाकिस्तान की डोमेन है, अगर डॉट कॉम में हो और हमने मालूम करना हो कि किस कंट्री की है, तो इसका कोई तरीका कार? जी इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। काइंडली मैंने रिक्वेस्ट की थी सब लोगों से कि असाइनमेंट वगैरह सबमिट करवाते हैं, सिर्फ कुछ लोगों ने ही करवाई है, बाकी लोगों का मुझे नहीं पता क्या कर रहे हैं, तो काइंडली कोशिश करें बाकी लोग भी असाइनमेंट जो है वो सबमिट करवा दें। सबमिट तो मैंने करवा दी थी सर, शायद आप सीन नहीं कर नहीं सके नहीं अभी मुझे मुझे पता है, कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने नहीं करवाई, जिन्होंने करवा दी मेरी नजर में है, मैंने देखा है। चलें ठीक है, फिर इंशाल्लाह मैं आपको लिंक भेजता हूँ, काइंडली इसको अच्छे से देखें और अपना काम स्टार्ट करें, और जिसको समझ ना आए वो मुझे बता दे, इंशाल्लाह मैं उसको जो कीवर्ड्स वगैरह ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। जी ओके, अल्लाह हाफिज़।